ਸਾਰੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਡਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ तो इसमें सुरजेवाला जी जयप्रकाश कह रहे हैं कि लिपस्टिक बिंदी लगाकर किसी महिला के लिए कहां तक शोभा देता है। के लिए मैं कहूँ लानत है ऐसे शब्दों को। क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान लेके साथ घूमते थे जी? पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर जातिगत जनगणना की बात करते थे जी? पूरे समाज में कहते थे दलित समाज को अपमानित कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे भैया, आपकी पार्टी वाले अपमानित कर रहे हैं, आपकी कुछ नजर भी है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, आदमी के बोल बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कारोबार हो। व्यक्ति कब बोलते बोलते अनियंत्रित हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता, और कई बार ये बिगड़े हुए बोल राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान कर जाते हैं। जो लोग बोलते हैं उनको तो पता नहीं चलता, लेकिन समाज के अंदर उसका एक बड़ा संदेश जाता है। कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के अंदर नेता कब क्या बोल जाए कोई पता नहीं चलता। नेता वो अपनों के बारे में बोल जाएं या पराए के बारे में बोल जाएं, उन्हें ये भी नहीं पता होता। वो महिला के बारे में बोल रहे हैं या पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होता। बस जो मुंह में आया वो बोल दिया और उसके दूरगामी असर होते हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है हरियाणा की राजनीति के अंदर। कांग्रेस की बड़ी कद्दावर नेता हैं, दलित नेत्री हैं, सांसद हैं, केंद्र की मंत्री रही हैं, उनके पिता भी सांसद रहे, इनकी राजनीति में बड़ा प्रभाव। दलित राजनीति की हरियाणा के मैं उनको पुरोधा कह सकता हूँ, कुमारी सैलजा। और कुमारी सैलजा के बारे में आजकल कांग्रेस के कुछ नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर वो जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। इस प्रकार के राजनेताओं को आखिर क्या हो जाता है और क्यों ऐसा बोल जाते हैं? क्या वो जानबूझकर बोलते हैं और या फिर अनायास हो जाता है? कुछ इन बातों को लेकर मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की राजनीति को और ज़्यादा पास से जानते हैं। सुरजेवाला जी, क्या हो गया है कांग्रेसियों को? ऐसा आपने ठीक कहा कि जब बोल बिगड़ते हैं जी, निस्संदेह वो एक समाज के अंदर एक कुरीति को फैलाते हैं और एक ये कहिए कि वो अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। कई बार गुस्से में या ज़्यादा लगाव प्यार में आदमी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। भूल जी। मैं इसको गलती नहीं, मैं तो इसको एक बहुत ब्लंडर नीचता कहूँगा कि भाई ये इस तरह की हरकतें और इस तरह के बोल बहुत ही घटिया बातें हैं, और चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता के लिए हो। आप याद करिएगा कि 2014 के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी जी। मणिशंकर जी ने मोदी जी के बारे में कहा था कि इनकी चाय की दुकान यहाँ खुलवा देंगे, जब वो कहते मैं चाय बेचता था। को बहुत बड़ी असभ्य भाषा नहीं थी, लेकिन वो भी उनको भारी पड़ी। तो जनता इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे सीधे सीधे आता हूँ, जो मैं बता रहा था शुरुआत मेंट्रो में जी, कि कांग्रेस की बड़ी नेत्री कुमारी सैलजा, वो नेत्री है, अगर वो उनसे कोई छोटा लेवल का भी हो उसके बारे में भी क्यों। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ जी, और आप भी इसमें देखें जी। ये स्क्रीन पर हमारे वीडियो चल रहा है, इसके अंदर जेपी क्या बोल रहे हैं। जयप्रकाश, पहले से सुनिए आप। अरे लिपस्टिक पाउडर ला के लीडर बनाए थे मैं ला लिया डाडी ध्यान रखू तो इसमें सुरजेवाला जी जयप्रकाश कह रहे हैं जी कि लिपस्टिक बिंदी लगाकर किसी महिला के लिए कहां तक शोभा देता है। अशोभनीय, बहुत ही अपमानजनक और मातृ शक्ति के लिए मैं कहूँ लानत है ऐसे शब्दों को। जितनी इस बात की हम भर्त्सना करें वो कम है। वो जिस महिला के लिए कहा, मैं उसको निजी तौर पर जानता हूँ जी, श्वेता ढुल हिसा है। हाँ जी, श्वेता ढुल के बारे में ऐसा कहा है जी। वो कलायत से उम्मीदवार थी और हमारे माननीय सांसद जयप्रकाश जी जी उनके पुत्र भी वहाँ से टिकटार्थी थे। ठीक है, टिकट उनको मिलना और विकास सारण
ठीक है, उनका अपना क्षेत्र है, जयप्रकाश जी का एक बड़ा नाम है और उसमें पकड़ है जी, वो इंडिपेंडेंट भी वहाँ से विधायक रहे हैं 2014 में, सारी बातें सही हैं। और अब टिकट मिल गया जयप्रकाश जी के पुत्र को तो अच्छी बात है, कोई वो नहीं है। स्वीता ने सिर्फ एक ही बात कही, काश कि मेरे पिता भी एक बड़े नेता होते तो शायद मुझे भी टिकट मिल जाता, उससे ऊपर उसने कुछ नहीं कहा। जयप्रकाश जी ने स्वीता के बारे में भी कहा और शैलजा पर भी निशाना साधा, तो वो दोनों ही बातें बड़ी अशोभनीय और बड़ी गंदी और ओछी हरकत है। इस तरह की बातों से बचना चाहिए और मैं कहूँ कि उनको लानत भी भेजनी चाहिए। और जो हमारे बड़े नेता हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ, उनको भी। क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान लेके साथ घूमते थे जी, पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर जातिगत जनगणना की बात करते थे जी, पूरे समाज में कहते थे दलित समाज को अपमानित कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे भैया, आपकी पार्टी वाले अपमानित कर रहे हैं, आपकी कुछ नज़र भी है या नहीं? और या जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो विदेश ही घूमते रह जाएंगे बस सिर्फ। देखिए, जहाँ तक सवाल है राजीव गांधी, उनका परिवार या सोनिया, राहुल गांधी जी, सोनिया जी ने कुमारी शैलजा को बहुत प्यार प्रेम दिया है और उनको बहुत, इसीलिए उनके लोगों को टिकट नहीं दी। वो बहुत से फैक्टर हैं, टिकट मिलना ना मिलना, और टिकट किसी की बपौती नहीं है, किसी की मैं गठरी में ये टिकट चली गई है मैं नहीं मानता। अब लोग कहते हैं इतनी टिकटें फला आदमी को मिल गई, अब टिकटें विकटें तो ऐसा है कि आज जो इस वक्त माहौल है, माहौल को देख करके जो पार्टी के अंदर जो टिकटार्थी थे, जिनका कद बड़ा था, जिनको टिकट मिलने के आसार थे, वो माहौल को देख करके इधर साथ दिया हुआ है उन्होंने। कल अगर माहौल चेंज हो जाता है तो एक भी नज़र नहीं आएगा आपको। मैं तो यहाँ तक भी कहने के लिए तैयार हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब फिजा बिगड़ती है तो उनका पुत्र या उनकी पत्नी भी ये कह देती है मेरा अपने पिताजी से नाता वास्ता नहीं है। जब बुरा टाइम आता है परसाई साथ छोड़ जाती है, पुरानी कहावत है। खैर, और बड़े ड्रामे भी चलते हैं, यूपी का ड्रामा मुलायम सिंह का और अखिलेश का, और कई बहुत सी चीज़ें हैं। ये बात तो जयप्रकाश की हुई जी, जेपी सांसद हैं, बड़े नेता हैं। नहीं, उन्होंने जिस महिला के बारे में कहा, मैं उनको निजी तौर पर जानता हूँ, बहुत सादगी से वो रहती है, लिपस्टिक पाउडर का मैंने नहीं देखा। श्वेता डोल, श्वेता डोल अगर लिपस्टिक लगा भी ली, नहीं लगा ली, उनका अपना अधिकार है। महिलाओं के लिए तो खासकर महिला का तो कहना माना जाता है लिपस्टिक बिंदी लगा करके। क्या इनके घर में नहीं लगाई जाती है जो बोलते हैं जी? मेरे आपके घरों में नहीं लगाते क्या लोग? सभी लगाते हैं और लगाना चाहिए, उनका अपनी इच्छा है, ये उनका निजी मामला है जी। और इस बात से कौन सा उनका चरित्रहीनता की यह बात आ जाती है महिला के लिए? और किसी की क्या मतलब हुआ किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का? बहुत गलत है, बहुत ही समाज के हर आदमी को इस शब्दों की, इन बातों की भर्त्सना करना। सुरजेवाला जी, ये तो हुए जेपी बड़े। और जहाँ तक आपने नेता का कहा, तो उन तक तो ये बात पता नहीं जाए ना जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा जो हमारा राज्य की जो इकाई है उसके जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इस बात की खंडन करना चाहिए और भर्त्सना करनी चाहिए और उन लोगों पर थोड़ा सा अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम कार्रवाई इस बात की ही कर लें कि उनको इस बात के लिए सचेत करें और आगे के लिए उनको रोका जाए। तो ये तो जेपी की बात हुई, जयप्रकाश सांसद हैं, बड़े नेता हैं, तो उनका नाम लिया। एक वीडियो और वायरल हो रहा, आप इसको भी देखें जी। बिल्कुल बिल्कुल, इन दिनों में ठाकुर कद्या मोती ने दो वो चचा नहीं था लुका दे भाई, टिकट कौन मिला था सुना मिला कौन, डॉक्टर जी ने मिला के मिल का कहा था सुना मिल की टिकट कहा नहीं था उड़ा तो देव था दसी ने चुमारी ले थी डॉक्टर के खास बात आ रहे थे दे। अच्छा, जहाँ था तुम गए तुरपा दसी दे थी हेल्थ तुम्हारी। इसमें जो बुजुर्ग बोल रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे जरूर। उम्र के लिहाज से लग रहा है कि उम्र दराज व्यक्तित्व हैं जी हाँ। और ये कुमारी शैलजा के लिए जिस प्रकार का अशोभनीय शब्द बोल रहे हैं जी, अगर ये शब्द कोई और बोल दे तो उस पर जाति सूचक केस दर्ज हो जाएगा। ये अपराध भी है, ये आपराधिक मामला भी बनता है, आपराधिक मामला बनता है। ये न केवल आपने जो कहा ना अशोभनीय, अशोभनीय के साथ साथ ये आपराधिक मामला भी है जी। और इस तरह के घटिया और ये इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, और एक नेता, और वो भी पार्टी के नेता, कोई भी हो,
बड़े नेता के बारे में कह रहे हैं, अगर आम जन के लिए क्या, किसी आम जन के लिए क्या विचार होंगे इनके? नहीं, मैं कहता हूँ किसी के लिए, एक आम महिला के लिए जेपी की क्या विचारधारा होगी, और एक आम दलित के लिए जो बुजुर्ग बोल रहे हैं इनकी क्या विचारधारा होगी? दलित हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी, मैं तो ये कहता हूँ कि उसको जाति के नाम से उनको, चाहे वो हमारे उच्च वर्ग से हों, पंडित हों, या बनिया बिरादरी से हों, या जाट से हों, या पंजाबी बिरादरी से हों, उनके बारे में अपशब्द या इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है पंजाबियों के लिए, कई बार डेरोगेटरी लैंग्वेज जी, या बनिए के लिए कि वो तखड़ी तराजू तोले, उनका काम ही नहीं अभी पिछले दिनों, ये तो नेताओं को बड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल है तो पता नहीं क्या, क्या बोल देंगे, लेकिन उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है जी। अभी पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में हमारे यहाँ फरीदाबाद में जी, जो यहाँ से सांसद चुने गए, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पलवल में कहा कि इनका काम नहीं है राजनीति बनिया का, ये तो तखड़ी ले और तोला ही करें जी। तो ये इस तरह के भाषा, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी के, चाहे वो किसी और जाति से हो। दीपेंद्र हुड्डा मैं बड़ा उनका सौम्य सॉफ्ट समझता हूँ, उन्होंने पहले कहा था क्या खट्टर पट्टर इनको भेज देंगे। नहीं, ऐसी भाषा का जो है ना प्रयोग निंदनीय है। ताजा वर्तमान पे आते हैं, क्या कांग्रेसियों को ये लगने लगा कि भाई सत्ता बहुत नजदीक है, तो सत्ता के नशे में सब कुछ निकलने लगा, ये सब कुछ क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता फर्क पड़ता सत्ता का जो है ना नशा, वो थोड़ा सा उभर कर आता है, जो आदमी उसको काबू नहीं करता ना वो मार खाता है जी, निसंदेह उसको उसका परिणाम तो भुगतता है। अंतिम सवाल पे आते हैं, आपको क्या लगता है इन सबसे क्या कांग्रेस को जी कोई फर्क पड़ेगा राजनीति के अंदर? क्या फिजा भी खराब हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखिए, माहौल बिगड़ता है तो बिगड़ने में और नुकसान होने में पता नहीं किस लेवल पर कहाँ तक चला जाए, ये नुकसान की तरफ तो ले जा रहा है, और पार्टी को इन बातों से बचना चाहिए, और जब नेतृत्व है उसको रहते समय इन बातों से गुरेज और परहेज करना चाहिए, और जितना जल्दी हो ये डैमेज कंट्रोल करना चाहिए जी, वरना नुकसान तो हो सकता है जी। जी, तो ये विशेष विषय पर हमारी चर्चा थी कि बोल खराब क्यों होते हैं और इसका असर कितना पड़ सकता है। एक बड़े नेता और एक सामाजिक व्यक्तित्व जिनके हमने आपको वीडियोस भी दिखाए, और इसका समाज पर क्या असर जाएगा, और सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या इस पर कांग्रेस का आलाकमान या प्रदेश इकाई, जो सुरजेवाला जी भी कह रहे थे कि एक्शन लेना चाहिए या संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्या कोई इन पर संज्ञान लेगा, और सबसे प्रमुख कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या आम मतदाता पर और आम जनता पर इसका कितना असर होगा, क्या रिएक्शन होगा, कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।